आपको क्या बोलना है बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर? व्हाट यू हैव टू से स्टूडेंट्स? गुड आफ्टरनून. आप सब लोग बोल रहे हो गुड आफ्टरनून. कम ऑन, विश करो टीचर को गुड आफ्टरनून. कम ऑन. ओके, वेरी गुड. आपको क्या करना है? डेली विश करना है. जब भी हम लोग दोपहर में जब लंच करते हैं उसके बाद टीचर लेक्चर स्टार्ट करती है ना, ओके, तभी क्या करना है आपको? डेली विश करना है. क्या विश करना है? गुड आफ्टरनून. और सुबह में जब टीचर लेक्चर लेती है आपको वीडियो सेंड करती है ना, तभी क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग. ओके, और शाम को गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट. ओके, आपको ये फोर चीज आना चाहिए. गुड मैनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट. ओके चिल्ड्रेन. ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, याद है किसी को? क्या किया था हम लोग ने लास्ट टाइम? पोयम लिया था और जीके. और जीके में क्या किया था हम लोग ने? माय बॉडी पार्ट्स. वेरी गुड. और कन्वर्जेशन. ओके, कन्वर्जेशन में हम लोग ने माई सेल्फ लिया था, राइट? तो आप सब लोग माई सेल्फ कर रहे हो प्रैक्टिस. आपको टीचर ने बताया था ना गर्ल्स का फोटो एंड बॉयज का फोटो बताया था ना आपको, तो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो. आपको टीचर ने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में बोला था ना कि आपको दो चीज पूछ के रखनी है. कौन सी? विच. व्हाट इज माय नेम एंड हाउ ओल्ड आई. ओके, मैं कितने साल का हूँ और व्हाट इज माय नेम, हाउ ओल्ड आर यू एंड व्हाट इज माय एज. आपने पूछ के रखा है आपकी मम्मी को. टीचर ने बोला था ना लास्ट टाइम आपको, आपको आपका नाम एंड आपका एज आपको क्या करना है? पूछ के रखना है. आपने पूछा है सब लोग ने. आज टीचर आपको बोर्ड पे लिख के देगी. ओके चिल्ड्रेन, तो आपको क्या करना है वो प्रैक्टिस करना है. आपको जो बुक में दिया है ना टीचर ने आपको बताया था ना, ऐसे गर्ल एंड दिस इज बॉय बताया था ना आपको टीचर ने. दिस इज, हु इज दिस? गर्ल. और ये कौन है? ये कौन है? बॉय. ओके, तो आपको लास्ट टाइम टीचर ने बताया था ना ये बुक. व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव योर बुक. आप सब लोग ने बुक निकाला चिल्ड्रेन? बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिमूव अवर बुक. सब लोग ने बुक निकाला? ओके, चलो. और आपको पेंसिल भी हाथ में लेना है, ठीक है? अभी आपको आता रहेगा ना पेंसिल पकड़ने, तो आपको क्या करना है? पेज नंबर 44 निकलना है. रिमूव पेज नंबर 44. निकाला सब लोग ने? ये वाला पेज नंबर निकाला सब लोग ने? वेरी गुड. ओके, सो व्हाट टुडे वी विल डू? माय सेल्फ. व्हाट इज अवर टॉपिक? कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन में क्या लिया था हम लोग ने? माय सेल्फ. एंड व्हाट इज अवर डेट? 29. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक. कीप फिंगर ओवर योर चिल्ड्रेन. माय सेल्फ. हम लोग क्या करेंगे, पहले जो प्रीवियस लेक्चर में जो टीचर ने लिया था वो हम लोग वापस से एक बार रिवाइज करेंगे. ओके, चलो. माय सेल्फ क्या लिखा है? माय सेल्फ, हेलो दिस इज मी. टीचर ने क्या बोला था? हेलो दिस इज मी यानी हेलो आई एम अ, वेरी गुड, आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय. माय नेम इज, वेरी गुड. आपको आपका नाम लिखना है यहाँ पे, जहां पे डैश दिख रहा है वहां पे क्या करना है? आपका नाम लिखना है. आई एम डैश ईयर ओल्ड. क्या करना है आपको यहाँ पे? आप कितने साल के हो? थ्री. तो थ्री
फोर मतलब फोर वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। What is our first point? Hello. This is me. Okay. Second point. My name is dash. Years old. Okay, children. Hello. Hello. This is me. This is me. याने आपको क्या बताया था टीचर ने? I am a girl और I am a boy. ये बताया था ना टीचर ने आपको? जो गर्ल है वो क्या बोलेंगे? आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। एंड दिस इज, ये किसकी पिक्चर है? दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, रिपीट लाउडली, बॉय। ये किसकी पिक्चर है? बॉय की। तो क्या बोलना है आपको? हेलो आई एम अ बॉय। ओके And this, ये क्या है पिक्चर? गर्ल। ओके गर्ल की पिक्चर है ना, टीचर ने बनाया ना गर्ल की पिक्चर। सो हाउ यू विल से? हेलो आई एम अ गर्ल। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे टीचर ने स्क्वायर जहाँ पे ड्रॉ किए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्राउन कलर, वहां पे क्या करना है आपको? आपका फोटो स्टिक करना है। ओके चिल्ड्रेन, ओके पेरेंट्स, पेरेंट्स मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा है पेस्ट योर फोटो, यहाँ पे क्या करना है बच्चों का? यहाँ पे फोटो स्टिक करना है। ओके पेरेंट्स, नेक्स्ट माय नेम इज, यहाँ पे टीचर ने डैश किया। टीचर को सबका नाम नहीं पता है, लास्ट टाइम टीचर ने नाम लिया था कनिका, सोहम, वैदेही, जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखने का है। ओके प्रियंका, जो भी नाम है यहाँ पे उनको सिर्फ उनका नाम लिखना है। यहाँ पे माय नेम इज डैश, डैश के यानी चिल्ड्रन यू हैव टू राइट ओवर योर नेम। पेरेंट्स बच्चों को यहाँ पे उनका नाम लिखने का है, ठीक है? आई एम डैश years old। बच्चों को पूछना है, लास्ट टाइम टीचर ने बताया था कि पूछने का है कि पेरेंट्स से, बच्चों ने पूछना है पेरेंट्स से, मम्मी डैडी से कि हाउ आई एम ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ। बच्चों को आना चाहिए कि मैं 3 years का ओल्ड हूँ या 4 years का हूँ। ओके सो हियर यू हैव टू राइट I am 3 years old और I am 4 years old। अगर 3 है तो आपको 3 लिखना है, अगर 4 है तो आपको 4 लिखना है। ओके पेरेंट्स, ये समझ में आया पेरेंट्स? चिल्ड्रेन डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो दिस इज मी, दिस इज मी मीन्स हेलो I am a girl। अगर boy है तो क्या बोलेंगे? Hello,
I am a boy. Second, my name is Dash. यहाँ पे क्या लिखना है आपको? आपका नाम लिखना है. बुक में भी है ना यहाँ पे सेकेंड पॉइंट माय नेम इज, यहाँ पे डैश दिया है, तो आपको क्या करना है आपका नाम लिखना है. ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट लाइन. आई एम डैश इयर्स ओल्ड. आपने पूछा आपकी मम्मी से कि मैं कितने साल का हूँ. गर्ल्स यू हैव आस्क्ड योर पेरेंट्स कि मैं कितने साल की हूँ, तो आपको पूछ के आपकी मम्मी से बोलना है कि मुझे बताना है कि मैं 3 इयर्स की हूँ या 4 इयर्स की हूँ. सेम वॉइस आपको भी पूछना है कि मैं कितने साल का हो चुका हूँ, 3 या 4. तो यहाँ पे आपको लिखना है. ओके चिल्ड्रेन, ओके. और यहाँ पे जो बॉक्स है वहां पे क्या करना है आपका? फोटो स्टिक करना है. ओके चिल्ड्रेन, कम ऑन. नाउ वी विल प्रैक्टिस. सी हियर केक. लास्ट टाइम टीचर ने दिखाया था ना आपको ये केक, तो आपको क्या करना है ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है? ये 3 केक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये 3 केक्स. ओके, जो 3 इयर्स के हैं उन्होंने क्या करना है यहाँ पे? टिक करना है पेंसिल से. ओके, जो 4 इयर्स के हैं उन्होंने 4 इयर्स पे टिक करना है. दोनों पिक्चर में टिक नहीं करना है, ओनली वन. अगर 3 इयर्स के ओल्ड है तो 3 में टिक करना है. ऐसे कैसे टिक करना है आपको यहाँ पे टीचर बता दे आपको, सिर्फ ऐसे ऐसे टिक करना है बॉक्स के अंदर. ओके, सी हियर, यहाँ पे दिए टिक योर एज. क्या लिखा है यहाँ पे? टिक योर एज, यानी ये केक है उसमें कितने कैंडल्स है? लास्ट टाइम बताया था ना टीचर ने आपको, व्हेन यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, जब आप 3 इयर्स ओल्ड हो जाते हो तब आप 3 कैंडल्स रखते हो ना, तो आपको 3 में टिक करना है. जो लोग 4 इयर्स के हैं उन्होंने क्या करना है? 4 इयर्स में ये केक के वहाँ पे 4 कैंडल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, तो आपको 4 की यहाँ पे टिक करने बॉक्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट. आई एम डैश, यहाँ पे भी नीचे लिखा है, यहाँ पे टीचर ने आपको दिखाया था ना गर्ल्स के फोटो. लास्ट टाइम टीचर हैव शोन यू ना गर्ल्स एंड बॉयज फोटो, एंड टुडे आल्सो टीचर हैव शो यू गर्ल्स एंड बॉयज पिक्चर. ओके, सी आई एम डैश, यहाँ पे क्या लिखा है? टिक द करेक्ट पिक्चर. क्या लिखा है? आई एम अ डैश, टिक द करेक्ट पिक्चर. जो गर्ल्स है वो क्या करेंगे? गर्ल्स में ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, तो गर्ल्स में क्या करना है? टिक करना है. और जो बॉयज है वो क्या करेंगे? बॉयज में टिक करेंगे. ओके, दोनों बॉक्स में नहीं टिक करना है गर्ल्स, आपको सिर्फ गर्ल्स के उसमें टिक करना है. और जो बॉयज है उन्होंने क्या करना है? बॉयज में टिक करना है. ओके, ये अपनी ये एक्टिविटी है. ओके चिल्ड्रेन, ओके पेरेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप टीचर को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो. ओके पेरेंट्स, सो अगेन आई एम स्टार्टिंग माय लेक्चर. वापस से मैं ये प्रैक्टिस ले रही हूँ ताकि चिल्ड्रन को अच्छे से और समझ में आए. ओके, कम ऑन. माय सेल्फ, रिपीट आफ्टर मी चिल्ड्रन, माय सेल्फ. ओके, माय सेल्फ. हेलो, आई एम अ गर्ल. हेलो, आई एम अ गर्ल. माय नेम इज, आपको पता है ना आपका नाम, तो आपको क्या बोलना है? आपका नाम बताना है. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू स्पीक योर नेम. ओके, आई एम डैश इयर्स ओल्ड. आपको डैश नहीं बोलना है. आई एम 3 इयर्स ओल्ड. आई एम 4 इयर्स ओल्ड. ओके चिल्ड्रेन, कम.
Come on, again we will practice. Myself. I am a girl. Now only girl will repeat. Okay? Come on. I am a girl. My name is Priyanka. My name is Kanika. Okay? You have to repeat your name. आपको आपका नाम बताना है. Okay? I am 3 years old. I am 4 years old. Okay, girls. Now, boys. Boys, pay attention. Okay, very good. Myself. I am a boy. लिखा है ना वहां पे Hello, this is me. Means Hello, I am a boy. My name is Soham. My name is Shashank. My name is Aditya. आपको आपका नाम पता है ना? टीचर ने आपको ये एग्जाम्पल दिए है. जो नाम बताए वो नहीं बोलना है आपको. यू हैव टू से योर नेम. ओके, यू नो ना योर नेम? वेरी गुड. I am 3 years old. I am 4 years old. जो 3 years के हैं वो क्या बोलेंगे? I am 3 years old. I am 4 years old. Okay, जो 4 years के हैं वो 4 years बताएगी. Okay. ये टीचर ने बताया था ना आपको, बताया था ना ये के 1 2 3 4 कितने केक है? केक 1 है. कैंडल कितनी है केक में? 4. तो क्या बताया गया? आई एम 4 years ओल्ड. ओके, और यहाँ पे कितनी कैंडल है? 3. तो कितना बताया गया? आई एम 3 years old. वैसे ही आपको बुक में क्या करना है? टिक करना है. ओके चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, कम ऑन. यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू? प्रैक्टिस. व्हाट यू हैव टू डू डेली? माई सेल्फ एंड व्हाट यू हैव टू डू? कन्वर्सेशन, स्टोरी. डेली आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, सो एवरीवन stand up everyone. Okay, come on. Myself. Repeat after me children. You are very good children. No? Okay. Myself. Hello. I am a boy. Very good. Hello. I am a girl. My name is, आपको आपका नाम बताना है. जो बॉयज है वो बॉयज का नाम बताएंगे, जो गर्ल्स है वो गर्ल्स का नाम बताएंगे. ओके, आई एम, वेरी गुड, 3 years ओल्ड. आई एम 4 years ओल्ड. ओके चिल्ड्रेन, डू यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर? आपको क्या करना है? डेली प्रैक्टिस करना है. ओके, और आपको अच्छे से रिवीजन भी करना है. जो टीचर रिवीजन आपको देती है ना, इंग्लिश मैथ्स, वो क्या करना है? डेली प्रैक्टिस भी करना है. ओके, प्लस स्टोरी भी प्रैक्टिस करना है, माय बॉडी पार्ट्स भी प्रैक्टिस करना है एंड माय सेल्फ. ओके, डेली यू हैव टू प्रैक्टिस. पेरेंट्स जिनके पास बुक नहीं है, मैंने बोर्ड पे नोट डाउन किया है, सो यू कैन नोट डाउन दिस 3 lines इन योर बुक. आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है तो आप ये 3 lines बुक में नोट डाउन कर सकते हैं और बच्चे को रोज प्रैक्टिस करा सकते हो. ओके पेरेंट्स, ओके चिल्ड्रेन. सो पेरेंट्स, बिफोर माई
बिफोर एंडिंग माई लेक्चर हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी वीडियो हम लोग का खत्म होने के बाद आपको एक लिंक सेंड हो जाएगा, जैसे ही वो लिंक सेंड होते हैं वैसे आपको वो लिंक को प्रेस करना है। जैसे आप वो लिंक को प्रेस करते हो, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ आपको स्टैंड स्ट्रेट पोजिशन में वंदे मातरम बोलना है। ओके पेरेंट्स, ओके चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।